जान दूंगा उल्टा उसको खबरदार बन कर दिया। कैसे मिल जाए हाँ, हमारा घर है 40 साल की उम्र की है, जीवन में साल की समझे 40 साल। जब आता है तो फिर ये फूल और मिठाई क्यों लेकर आ जाता है शाम को? नमक सड़क मिट्टी के दमों पे मधु मधु मधु। देखो मिर्जा जी, हमें मधु ना कहना, नहीं तो हम अपनी खोपड़ में यही इस दीवार से फोड़ के मर जाएंगे। हाँ हम सब रोज जाएंगे फूल मिठाई लेके, हमें कौन नहीं कटा लो माई सला। तू बदतमीजी कर रहा है, हमें माई सला कर रहा है तो और क्या ठीक है कि चाल कहूँ मधु उसमें तो अच्छा है। जीती हो गई, मेरा मतलब जीती हो गई। तुम वक्त की बातों का ख्याल ना किया करो, रोज आ जाते हैं, बुलाते भी हैं और छुपा के देते हैं। मैं क्या कहती हूँ, कोई इनके जैसा भी तो हो जिसे किसी मुसीबत का यकीन ही ना हो। सलाम दीन दादा। सलाम वाला कुछ नहीं देती मिर्जा जी से पहले कहो कि हमने मजदूर कहने की माफी मांगे। यहाँ अगर माफी के बच्चे में तो किसी यहाँ मुर्गा बनाने वाला हो। देखा देखा फिर मुर्गा फिर मुर्गा। सामान नहीं लाया अपना? सामान है हाँ, वहाँ रखा है। हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं आए हैं। बिटिया बिटिया एक बात बताओ। अजी जी हाँ जी मैं दादा, आपसे कितनी बात कहा ना कि बिटिया का भी करना किया तुम सुखना रोती है तो क्या आपको अच्छा लगता है? अरे यही तो हम कह रहे हैं, क्यों रोती है छोटी बेटी? अरे बिटिया यहाँ नहीं है तो अंतरिया कने होगी, हुआ नहीं है तो मुसलिया कने होगी, होगी कि नहीं गई को। हाँ हमारा यकीन नहीं है तो चल के देख लो। हाँ अगर ना बैठी हो ना तो हम अपना सर मुड़वा दे आदि। आओ देखो आओ, क्या हो रहा है, क्या बात है दादा? तो चमचे के पेड़ के नीचे बैठी छोड़ आए थे तुम्हें एक दफा आवाज दो तुम्हें आवाज दो तुम्हारी फाटी दादा पति एक बार आवाज दी और अगर वो ना आए तो फिर चले जाना तो फिर कभी लौटने मत आना। अच्छा देखे देखे पक्षी अच्छा ये क्या करी मैं, अपने हाथों से अपने घर को अंगार लगा ली। गौहर जवाहर भी नहीं पूछे मेरे से, मम्मा आप अकेले इस घर में रहेंगे तो कैसा रहेंगे? कभी नहीं पूछता बेटे, मरने वाले को तो सब लोग चूहे रह रहे थे, अभी तो जी रहने देंगे तो छोटा होता ऐसे छोड़े थे। कोई नहीं पूछू ना मेरे से कैसे गुजारूंगी जिंदगी तो पा। और कितने वक्त तुम तो समझाया कि अपने मरने के होंगे से भी ज्यादा मत करो, उन्हें तो भय चाहिए तो अपनी असल को तकलीफ दे रहा था। मम्मा तो सारी जिंदगी यही समझाते रहे कि मरद को सब्जे में रखनी, अगर मरद कुंडे वाला है तो कुंडे से तोड़ा के रखना, अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाना, अपने आप को टिप टाप रखना। क्या नहीं करी मैं, फिर भी हमारा हाथ से निकल गया ना पापा। तुम्हारी मम्मा की खोपड़ी में चुरी का खोजा एक मेरे जैसे शरीफ आदमी को उन्हें दबा लिया अरे तुम देखा मेरे शरीफ आदमी वो तुम जैसे टूटा थोड़ी है, इसी वास्ते तो पुराने लोगों मरद के साथ कैसा गुजारी होंगी मैं इन 18 वर्षों में? 18 सेकंड भी तो ऐसी नहीं गुजारी होंगी जो मुस्लिम को समझ सके। पुराने वक्तों से जोर चाहिए जी एग्जाम देंगे तो अपनी बेटी को दे दिया, तुम हर भी खुश होगा बहुत पता, लेकिन ये वक्त ममताज अहमद साहब मरियम के कुंडली की आजमाइश का
पूरी रियायत कीजिए, उनकी तो रूह है, उनकी गैरत है। अगर अगर तुम्हारी बीमारी तो लागत से खुली नहीं आया ना, तो समझ लो ना बेटा, आज तक मेरी नजरों में भी हर पगे को मेरे सदन टूट जाए। अच्छा तुम्हारे घर कैसे पहुंच गए? अरे आगे किया, मुझे क्या मालूम अफसान दीदी की जगह हूँ। लाहौर से अब्दुल्ला भाई का खत आया, मीनू ने लिखा था कि अफसान दीदी को मोहसिन मियाँ कराची लेके चले गए। मैं ढूंढ ढांड के मोहसिन मियाँ के घर पहुंचा। मुझे पता नहीं क्या गुजरी होगी अफसान तुम पे, इतनी गुस्सा ना था, मुझे क्या हो गया था, मैं बेचारी को भी पता नहीं क्या हो गया, पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं कैसे भाग गई? अरे छोटी दीदी को तो मैं उसी वक्त लेके आ जाता, पर आया नहीं था, उसका इंतजाम करना था ना मुझे, तो इसलिए चार पांच दिन ज्यादा लग गए। दिनों दादा अब क्योंकि हकमत साहब को इसका हकमत साबित होकर मोहसिन के घर पहुंचे। हम तो खादे हैं, कोई तो खिदमत करे, दूल्हे भैया कोई तो खिदमत करे। दिनों दादा हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे, तो मैं तो मकार आज तक मेरा नसीब तुम्हारी बहन इस लायक थी कि मैं उसके साथ 25 साल गुजार दे। आज क्या जोड़ा जोड़ा दिया था तुम्हारे बाप ने मुझे। सोनू जैसे लोग माशरे के तमाम खिलावत और गंदगी को सुन रहा है। अरे सोनू भी थोड़ा थोड़ा याद कर रहे हो? मैं तुम किसी कितना बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को तुम जैसे शैतान आदमी से जब सुलाती कौन करेंगे, और तुम इस सुलह के कागज को लिखवाने के लिए मुझने मेरी बहन में दुश्मनी पैदा करना चाह रहा हूँ। मैं बड़ा बड़ा अच्छा दूसरी शादी कर लीजिए तो जाओ तीसरी शादी भी करो। संस्था में जब बरतानिया को पेश काट तो करेंगे, उसका भी करना भी तुम्हारा पेशा है। जाओ वो संवाद जो इसका भ्रम तुम जैसे पत्थर दिले की वजह से दे सकते बजाय इसके जब तुम मुझको या मेरी बहन को घर से निकालो, इसका से उस वक्त के लिए तस्वीर ले जाए आप, तक आप अपनी समाप्त करो। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी बहन को तनाव बाहर नहीं आएगा अपनी बदतमीजियों से। बात समय जमा सुना के बात करो, काम खोल के सुन लोगे, इधर की दुनिया उधर हो जाएगी कि इस मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। नहीं मालूम है कि आप इस भाई ने तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवा दिया अदालत में। लोग भी अक्सर बड़ी बड़ी पत्नी की सेवा से बन जाए, याद रखा इस बात में जब ऊपर वाला पकड़ता है ना तो विकल्प भी अंजाम तक पहुंचा। बहुत अच्छे से जितने वक्त रखा हो जितनी दुआ है कि परवरदिगार नई नशे के सामने जाते जाते की इज्जत रखे। नहीं इतनी मुसीबतों में सिर्फ उनमें का भरम रखने के लिए सीने पर पत्थर रखकर खुद को संभालती है, और अब जबकि परवरदिगार ने इसे खुशियां मेरी झोली में डाल दी तो क्या साथ कर सकता। अरे मैं तो सोच ही नहीं सकती कि संसार अहमद का बेटा ऐसा हो सकता है। चलो इधर उधर करो, जो हुआ सो हुआ, मेरी जिंदगी के अंदर ये सब बदमाशियां छोटी मोटी रकावटें तो होती ही रहती है। छोटे छोटे झगड़े ये खिलाफा ईमान की बात है, ये तो कुंदे को जिंदा रहे मां खुदा गवाह है। आप भी मेरी इस बात की तारीफ करेंगी कि
मैंने आज तक कभी आपसे शिकवा नहीं किया कि आप मेरी बात टाइम से चलते हैं। तो होता है, मेरा मतलब है कि शिकवा तो इस बात की अलामत है कि आप कुलबे में किसी रिश्तेदार के वजूद को तस्लीम करते हैं, उसको अपना समझते हैं। अब वो आप सब बड़े कहते हैं ना कि शिकवा को हमेशा अखनों से किया जाता है, पैरों से तो नहीं किया जाता। अली बाबू, वैसे इस सारे हंगामे में सबसे ज्यादा हिसाब आप पर रहा है और आप मैं चाहता हूँ सरिया कि आप नौजवान नस्ल इस सच्चाई का एतराब करें, हम इसलिए ठीक है। अच्छों को तो सब कबूल करते हैं, बात तो जब है कि आप किसी आदमी को खामियों और उसकी कमजोरियों के साथ कबूल करें, एक्सेप्ट करें, क्या जाने से याद रखें, इसको छोड़ देना बहुत आसान, मिलकर रहना बहुत मुश्किल, और एक दफा अगर मिलकर रहने की आदत पड़ जाए तो फिर छूट जाना मौत के बराबर होता है। हमारे बुजुर्ग हैं या बैठे हैं, सबसे पहले मैं अपने घर की बात करूँ, मैं मेरे साथ दोस्त हूँ, बल्कि आदत भाई आपको जानते हैं, कुंडे का हर दर्द यही समझता रहा है कि फर्रुख और अफशान का भूमिका उसकी राजधानी बुजुर्गों के फैसले अगर कुंडे के रवायात के मुताबिक हो तो ठीक समझ। कम से कम तो ये हुआ कि नाना अब्बा जीत के हाथ हम लोग उनके पहुंचने से पहले पहले इजाजत मांगे चाहिए। देखिए तुम्हारा मौसम कबीले दूसरे से साफ हो गया, इससे बड़ी राहत मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन जानो मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ की रूह तो कितनी खुश होगी, कितनी खुश होगी। मैंने वसीयत नामा तो भारी किया है महाराज, शायद तुम लोग मुख्तार हो अपने बच्चों के जो उनके लिए बेहतर समझो वही करो अम्मा। और आप हो सकती मुख्तार, जब तक आप इजाजत नहीं देंगे, दिन मुकर्र नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर ये मेरा 22 बरस तक इंतजार कर सकती है तो अपना नाना सुन नहीं सकता कि अपने ताया मरहूम की आखिरी वसीयत उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और उसके बाद सवाल में कोई काम कर ऐसा है। अब जबकि ये सब गलतफहमियां दूर हो ही गई हैं, आप लोग सभी तारीख में फर्क करें। बिना आसान बात नहीं मिलता, मत दोहराना आइंदा जी मैं नहीं चुनना। तुम मौसम की बीवी हो, कुछ किसी का पता नहीं है जो हाथ से छूट गए तो देवा नहीं जा सकेगा। हमारे घर के आंगन में तो मुझे दो बटल नहीं गई। अब तो मेरे बच्चे ना मेरे से नफरत करने लगी। कुछ नफरत करने से क्या हमारे काम से नफरत करना, दिल में उनके लिए मोहब्बत है ना। लेकिन मत भूलो कि दत्ता जी घर की बहू है, तुमने जरूरत कैसे थी तो तलाक का दर्द सवाल किया। मैं दत्ता की सूरत नहीं देखना चाहता, अगर ऐसा भाई से लेने के लिए काशी गए हैं तो इसके लिए खुद जिम्मेदार, मैं उसे छोड़ चुका हूँ। बहरहाल हम उसे नहीं छोड़ सकते। तभी उसे देखने के लिए तो सिर्फ एक ही दर्शन, हालांकि सबसे बड़ी खूबी ये है दुनिया के बावजूद कभी कोई फरमाइश नहीं की और मोहब्बत को हर चीज से बहुत ही ज्यादा जी सकती। आपने मेरी अम्मी को तो देखा होगा।
लिखा है, बहुत करीब से लिखा है, तो तुम्हारी भाषा को पति माया है, आप नहीं जाएंगे? बेटी मैं क्या जाऊंगी, तुम्हारे बाप ने दुकानदार ही मुझे ये दुकानी के साथ छोड़ा ही कब। आज जो बात आप लोगों से मिली उसी ने आप कपड़े क्यों नहीं पहने आपके लिए तो प्यार कर रहे हैं। बहुत खुश है कि आपसे बात कर रहा हूँ। कोई काम नहीं करते, सारा काम मुझसे, थोड़ा पूरा जल्दी से तुम लोग अम्मा के लिए आया है। मैं आपकी याद आ गई कि घर के बेटे ने तेरे बगैर को खुशी कर सकती है। मेरा भाई मैंने तुम्हारा बड़ा दिन देखा। आप मेरी एक दोस्त और किसी को शिकायत का मौका नहीं है, किसी का मौका हम सब आपको लेने आए और आपको हमारे साथ चलना ठीक है जी। अरे मेरा भाई Thank you.
ممتاز کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ گرائے جو سکون دیں بے وقوفی کی باتیں مت کرو. عشق کسی سے ہوتا ہے اور شادی کسی اور سے. مطلب اصل میں مت سن لیتی ہوں. اصل میں ہم تینوں پتاوار ہیں, میں, تمہارا باپ اور تمہاری ماں سرتاج. ویسے دیکھو نا وہی زرتاج ہے جو تقریباً 18 سال سے محسن ممتاز کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی. تم بلا کے نہیں لائے چاہتا نیچے ہے نا ابھی آ جاتی ہے بولتے کی وہی ایک کام دیکھو میں حکم جاتی ہوں نسیا کا بلا چاہتا ہے آپ کو آداب السلام علیکم. سلام آداب بعد میں ہوگا. پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں جب نہ آئی آلہ مارا کے دروازے پاس سے ہوں مجھے سن کر دیا تھی. واہ واہ یہ بھی اچھی رہی. یہ ہے ہمارے سلام کا جواب. کسی جان یہ میرا تایا ابا کا گھر ہے سمجھیے آپ. مجھے آپ یہ بتائیے آپ یہاں کیسے آئی. اچھا ارے میری تو مٹی اٹھے گی آلہ مارا کے گھر سے.
देखो नसी ना, मैं कह देती हूँ कि तुम आपने मियाँ से कह दिया शौक अहमद से मेरा सारा जेवर चुका दे, वरना समझ लो कि भाई बारात में सारी बातें नजर करूँगी शौक अहमद को। नहीं एक काम में कुछ बात की देर ये आइए चीजें भाई बारात में सबको सही आइए, मैं भी देखती हूँ आपकी कस्बर की जबान कैसी चलती है। आए देखो नसी ना, तुम खुद में दिमाग ना मानना मुझे, हाँ वरना मेरा और तुम्हारा हज होगा, काना करेगा मेरा हज आपके साथ हो, आपका हज होगा आपके भतीजे के साथ अच्छा अहमद के साथ। आइंदा खबरदार जो आपने जेवर का नाम दिया अच्छा जेवर का नाम ना लो, छुड़ा के लिए क्या लूट पाट करके लाओ सब 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 कुछ कर सकते हो जाओ ना लो मैं जेवर का क्या करो ना लो आए ना क्या हो रहा है आप लोगों को आप क्या बैठे हर तरफ कितनी बच्चियां मिल रही है उठिए चलिए अली नजर मिल जाए। तुम कहाँ है अली, तुम्हें कुछ नहीं बताया मैंने, उसे रसीद जाकर देखिए अली के मेहमान खाने में ले जाइए। हाँ मोहसिन मुझे अली बता रहे थे उनका कुछ टेलीग्राम आया जब से वो गायब है। कुछ दोस्तों को दोस्त तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त मगर तो पहचान मैं आपसे वाले में तो ऐसा भी छोटा मिला
کے دن جیسے کہ ممکن ہو سکتا میں آپ کی کنڈی کو کاٹ کر دیتا ہوں یہاں تک تو آئی پہنچا اب تم سب لوگ کھوجے تھے I'm not going to do that.